हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में तो काफ़ी उपदेश दिए ही हैं, बल्कि आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ उनके जीवन से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गीता में जीवन के सार का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया है। गीता को भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप माना गया है। गीता में मनुष्य के जीवन को सफल बनाने के लिए सूत्रों का वर्णन किया गया है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी तमाम बातों का अध्ययन करके सीखा जा सकता है। आइए जानते हैं भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बात। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत नटखट स्वभाव के थे। विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका स्वभाव हमेशा शांत रहता था। कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार थे और वे यह बात जानते भी थे कि कंस मामा उन्हें बार बार मारना चाहते थे, फिर भी वे शांत रहते थे और समय आने पर कंस के हर प्रहार का मुंह तोड़ जवाब दिया। इससे सीख मिलती है कि कठिन समय में भी अपने शांत स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। साधारण जीवन जीना। भगवान श्री कृष्ण हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास करते थे। गोकुल के राजघराने में परवरिश होने के बावजूद वह अन्य सामान्य बालकों के साथ रहते, खेलते और घूमते थे। उन्हें कभी भी अपने राजघराने का घमंड नहीं था। कभी हार न मानना। कभी भी उनका मन बुरे समय आने पर घबराता नहीं था। वह विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते थे। उनका मानना था बुरे समय में विवेक पूर्वक काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी हार न मानने का संदेश दिया था। अंत का प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में हो या ना हो। दोस्ती निभाना। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को कौन नहीं जानता। यह दोस्ती महज दोनों के प्रेम के कारण नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर के कारण भी प्रसिद्ध है। किंतु आज के जमाने में दोस्ती के असली मायने कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण ने हमेशा अपने मित्र सुदामा और अर्जुन का साथ दिया था। माता पिता का हमेशा आदर करना। श्री कृष्ण को जन्म देवकी ने दिया था, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा और राजा नंद ने गोकुल में किया। यह जानते हुए कि उनके अपने माता पिता उनसे दूर हैं, श्री कृष्ण ने उन्हें दिल से प्रेम किया। उनका आदर और सम्मान करने में कोई असर नहीं छोड़ा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।